are you? I hope you are doing well and preparing well for your exam. So next time we are doing mostly as vocabulary, okay, with picture image. So in exam में आपके सामने भी ऐसी कोई पिक्चर होगी, तो पिक्चर के बारे में आपको एक वर्ड बोलना है, ओके, और वो वर्ड मतलब टाइमिंग लिमिटेड है, ओके, फटाक से वो टाइमिंग निकल जाएगा, राइट? सो वो हम प्रैक्टिस करते हैं. पहले क्या था उससे थोड़ा डिफर है. यहाँ पे मैंने पिक्चर पहले लगा दी है, ओके, और फिर बाद में वो पिक्चर देख के फिर आपको आंसर बोलने हैं, ओके. सो अगर आप नहीं बोल सकते, मतलब बोलने वहां पे नहीं बोल सकते, तो यू कैन राइट इन योर नोटबुक, सो यू कैन नो आपकी स्पेलिंग राइट है या रॉन्ग है, वो भी आपको पता लग जाएगा, ओके. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, सो आपको नई नई अपडेट, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सो आप मिस ना कर पाओ, ओके, एग्जाम देने से पहले. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो एग्जाम में आपके सामने इस तरह से की इमेज होगी, ओके. सो भूल जाओ ये सब इमेज को, भूल जाओ, सिर्फ ये इमेज याद रखो, ओके. सिर्फ ये एक इमेज आपके सामने होगी वहां पे, ओके. और तुरंत इसको देख के बोलना है, क्या लगता है? क्रॉस, स्पैरो? नहीं, ये क्या है? पेंगुइन्स है, ओके. नेक्स्ट थिंग इज दैट ये कितने हैं? एक से ज्यादा है, तो क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी आपको याद रखने हैं, ओके. ज्यादा एक्साइटमेंट में आके, ओह यो आई नो दिस वर्ड पेंगुइन, ऐसे बोल के प्रेस नहीं करना है. यू मस्ट नो ये चार है, प्लूरल है, तो क्या आएगा? पेंगुइन्स, ओके. नेक्स्ट क्या है? क्या चूहा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, प्रोक्यूपाइन, PORCUPINE. यू मस्ट नो द स्पेलिंग इफ यू नो द पिक्चर, इफ यू डोंट नो द स्पेलिंग. सो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए यहाँ वहां पे भी, ओके, क्योंकि आपको रिकॉर्ड करना है वो क्या है, ये पिक्चर देख के बोलना है. पेंगुइन्स, प्रोक्यूपाइन, ये क्या है? क्रोकोडाइल, ओके. या ओके आई नो, ये तो हम वी आर यूजिंग इन अवर होम, ओके, सब कुछ कट करने के लिए, बट नो 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 मीनिंग. तो क्या रहेगा? सीजर, ओके. ये क्या है? हाँ खाया तो है पर पता नहीं, तो क्या है ये? पोमेग्रेनेट, ओके. ये क्या है? हाँ कुछ भरते तो है बट वी डोंट नो द नेम, इसका नाम है जार, JAR, जार. ये ओके, दिस इज अ फ्लावर, ओके, बट वी डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, तो क्या आएगा? हिबस्कस, हिबस्कस, HIBISCUS, हिबस्कस. ओके आई नो दिस पर्सन, कुछ मतलब वी नीड दिस पर्सन इन अवर होम, ओके. क्या है ये? कारपेंटर? नहीं, पेंटर. प्लम्बर, क्या है ये? प्लम्बर. सो इस तरह से आपको इमेज देख के ही तुरंत यू टू क्लिक इन योर माइंड कि क्या इसका मीनिंग क्या. नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या लगे फर्स्ट इमेज क्या है ये? डॉक्टर्स, ओके. तो डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर नहीं है, प्लूरल है. आ मैंने पहले भी बताया सिंगुलर प्लूरल का प्लीज ध्यान रखिए एग्जाम में. कांगरू, ओके. नेक्स्ट मैंने बता ही दिया है. मैंगोस, नेक्स्ट क्या है? एग, हाँ एग्स है, ओके. एक से ज्यादा है, ओके, एग्स. कैरम, CARROM, कैरम. ये क्या है? फ्रॉक, बेबी फ्रॉक भी बोल सकते हो, फ्रॉक भी बोल सकते हो, रेड फ्रॉक भी बोल सकते हो, ओके. सो यू कैन गो ऑन सिंपल वे, फ्रॉक, ओके. वी डोंट नो दिस नेम. बॉटल गॉट, ओके, बॉटल गॉट, BODDLE GOURD. नेक्स्ट क्या है? CHESS, चेस. सो इस तरह से आपको एग्जाम में भी करेक्ट. नेक्स्ट देख लेने, ओके. ऐसे पहन तो है बट हाँ शादी में पहनते हैं, वेडिंग में पहनते हैं, बट आई डोंट नो द नेम. ये पर्सन है, उसको कुछ बोलते हैं. गर्ल को क्या बोलते हैं? ब्राइडल. तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रूम, GROOM. ओके द नेक्स्ट इमेज इज वी आर यूजिंग इन अवर होम दिस डेली. वी आर योर मॉम, योर सिस्टर, यार दे आर यूजिंग इन होम, इन किचन, ओके, बट वी डोंट नो द नेम. तो क्या बोलते हैं? मोटल एंड पेस्टर, मोटल एंड पेस्टर. ओके नेक्स्ट क्या है? एयर कंडीशनर. नेक्स्ट वन इज टेबल, ओके. बुक्स, हाँ बुक एक से ज्यादा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो यू कैन प्रोनाउंस बुक, नो, बुक्स, BOOKS. बुक्स. तो ये कौन सी इमेज लग रही है आपको यहाँ पे? ओके बहुत ये इमेज है यहाँ पे.
यू कैन सम, अगर ये इमेज थोड़ी बड़ी होती तो आप चेयर भी बोल सकते हो, ओके, बट ये इमेज दिख रही है तो वी कैन से कर्टेन्स, CURTAINS, कर्टेन्स, ओके. फिश, और ये क्या है, हेडफोन, ओके. सो इस तरह की इमेज आप वहां पे होगी व्हेन यू आर अपियरिंग इन फॉर ड्यूलिंगो एग्जाम टेस्ट, ओके. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो आपको नई नई अपडेट, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच गाइज. आपको मेरे सब वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच गाइज. थोड़ा लेट हो रहा है, आई नो आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट यू नो मेरी छोटी बेबी है, सो फॉर उसको भी टाइम देना पड़ता है, सो लेट हो जाता है मुझसे. बट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, बट एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके. थैंक यू गाइज, बाय बाय.